हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं मैगी पार्टी। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मैगी पार्टी करते थे, और हम दो ननद मेरी दो ननद है और मैं, हम 3 पैकेट मंगा के मैगी और एक साथ बना के खाते थे। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर से मैगी बना रहे हैं और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो बनाएगी मेरी बड़ी वाली ननद। तो चलिए स्पेशल मैगी देखते हैं कि वो कैसे कैसे बनाती है, और बहुत अच्छा बनाती है। कभी कभी गलती से ख़राब बन जाता है। देखो, मैगी बनना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार मैगी है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे अनियन ऐड कर दिया है, सॉरी थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया था पहले, तो जीरा, फिर उसके बाद अनियन, फिर उसके बाद टमाटो ऐड कर दिया है। टमाटो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा ज़्यादा टमाटर पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, नहीं तो थोड़ा एक डालिए, नहीं तो दो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद आप हल्का सा नमक ज़रूर डालिए, क्योंकि नमक से टमाटर जल्दी से गल जाता है। तो यहाँ पे टमाटर में नमक डालने के बाद यहाँ पे मटर ऐड कर दिया। आप इसके अंदर बीन्स, शिमला मिर्च और भी कई तरह की वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन हम लोगों को बीन्स और शिमला मिर्च नहीं पसंद है, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर नहीं डाला और बस मटर ऐड किया है। और नमक डालने के बाद उसको ढक दिया है ताकि मटर इसी के साथ टमाटर के पानी से गल जाए, पक जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे उसको ढक के दो दो मिनट के लिए पकाना है। और तो यहाँ पे मटर भी पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े थोड़े मसाले, जितने भी मसाले हैं घर में। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाला है, फिर धनिया पाउडर, फिर थोड़ा सा पनीर मसाला, फिर छोले मसाला, फिर गरम मसाला यहाँ पे, और थोड़ा सा हल्दी डाला है। यहाँ पे जितने मसाले वो सब डाल देती है, क्योंकि उसको मसालेदार, हर चीज़ मसालेदार बहुत पसंद है, इसलिए वो जितने मसाले होते हैं किचन में सब ऐड कर देती है। तो यहाँ पे सब सारा मसाला थोड़ा थोड़ा डाल दिया है उसके अंदर। और उसको डालने के बाद अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राई मसाले हैं तो वो जल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सारा मसाला डाल के उसके बाद यहाँ पे पानी ऐड होगा। बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिला लेंगे। यहाँ पानी, अभी इसके अंदर मैगी मसाला नहीं डाला है। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैगी मसाला डाल दिया एक पैकेट। हम लोगों ने दो मैगी मंगाया था तो दो पैकेट हम मसाले इसके अंदर अब ऐड करेंगे। दो पैकेट मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर हमको जितना ग्रेवी वाला मैगी खाना है हम उसके हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। और पानी ऐड कर दिया है जितना हमको खाना था, और इसमें पानी ऐड करने के बाद, पानी बॉईल हो जाने के बाद अच्छी तरह से इसके अंदर हम मैगी डाल देंगे। यहाँ पे मैगी ऐड कर दिया है। हम मैगी को इसके अंदर अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, और जितनी ग्रेवी हमको उतना ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक ग्रेवी थोड़ा थिक ना हो जाए। मैगी मसाला डालने के बाद ना ग्रेवी थोड़ा सा हो जाता है, पता नहीं इसके अंदर क्या होता है ऐसा मिक्स, जिससे ग्रेवी थोड़ा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैगी मसाला डालने के बाद हमने मैगी ऐड कर दिया था, और ग्रेवी अब थोड़ा ठीक हो चुका है देखिए। और यहाँ पे हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे अपनी ससुर को निकाल के देंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे कटोरी में निकाल के अब हम देंगे मम्मी को पहले। तो यहाँ पे मम्मी के लिए हमने निकाल लिया है, और आप लोग भी देख लीजिए कि कितनी अच्छी मैगी बनी है। बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप भी अपने घर पे ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और हमारी मैगी बनकर हो चुकी है रेडी, अब चलते हैं खाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी।
देखो हमारी मैगी बनके हो चुकी है तैयार और हम लोग खाने जा रहे हैं। एक दो तीसरी, पहले से ही हमारी मैगी पार्टी हो चुकी है खत्म। और बहुत ही अच्छा मैगी बनाया था उसने, वो हमेशा ही अच्छा बनाती है क्योंकि वो मसालेदार मैगी बनाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाया हम तीनों ने। और आज बाबू को लगा है, नहीं कल लगा था बाबू को पेंटाथ्री का टीका, 6 मंथ वाला, वो 7th मंथ का हो गया, लेकिन टीका लगने थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और जब तक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती तब तक उसको कोई टीका नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा उसको लगाने में लेट हो गया। सुई लगने की वजह से वो बहुत परेशान है, एक पैर उठा भी नहीं पा रहा है और ज़्यादा घूम भी नहीं पा रहा है, वो बस एक ही जगह रहता है और बहुत रोने लग गया है। उसको फीवर भी था 2 दिन से, तो उसको दवाई दिया है फीवर का, बोला है 3 टाइम देने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो उसको दे रहे, अभी वो ठीक नहीं है, फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत खेलता है, लेकिन एक ही जगह रहता है, वो खिसक भी नहीं पाता है, तो उसको सेकते हैं सुबह शाम बर्फ़ से 2-3 बार, तो सेकने से वो बहुत रोता भी है। मेरी दोनों ननदें अभी बहुत छोटी है, तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं साथ में, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, बनाते रहते हैं कुछ नया नया, ये भी करते हैं, या फिर रात को बहुत रात हो जाती है तो हम लोग कभी कभी मैं उसके रूम में चली जाती हूँ और हम लोग बहुत देर तक बातें करते हैं, रात के 12-1 बजे तक बातें करके फिर सोते हैं, तो ये सब हम लोग का चलता ही रहता है यहाँ पे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बाबू से मिला देती हूँ। ये गोली मोली कुकी कुकी कुकी, हची हची कर लो तो भू भू और उला दिए ना ना सो ना